नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बीजापुर हमले के बाद जिस लापता जवान को लेकर तमाम चर्चा हो रही थी, जिस जवान को लेकर कहा जा रहा था कि जवान को छोड़ने के लिए नक्सलियों ने शर्त रखी है, अब उसका खुलासा होने लगा है। लापता जवान को छोड़ने के पीछे नक्सलियों की क्या शर्त थी, उसका खुलासा अब हो गया है। बताया जा रहा है कि लापता जवान को छोड़ने के पीछे नक्सलियों की शर्त थी जान के बदले जान। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको उन पत्रकारों के बयान सुनवाएंगे जिनके प्रयासों की वजह से ही इस जवान को नक्सलियों के चंगुल से छुटकारा मिला है। नक्सलियों की शर्त को बताने से पहले हम आपको उस पत्रकार का बयान सुनवाएंगे जिसके पास सबसे पहले नक्सलियों ने फोन करके लापता जवान की खबर दी थी। गणेश नाम के इस पत्रकार ने बताया कि कैसे जब वो जवान को छुड़ाने गया था तब वहाँ का माहौल कैसा था। मैं सुबह यहाँ से वहाँ निकला था जहाँ पर जवान को रखा गया था। वहाँ जाने के बाद जवान से मुलाकात कराया माओवादियों द्वारा। जवान स्थिति अच्छी है, वो स्वस्थ है, परंतु मानसिक रूप से वो परेशान है क्योंकि इतने दिनों तक नक्सलियों के बीच में रहना काफ़ी बड़ा वक्त होता है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ता जिस दिन मुठभेड़ हुआ उस दिन वो भटक चुका था, भटक कर दूसरी तरफ निकल गया था वो, और दूसरे दिन वो नक्सलियों के हाथ लगा था। और माओवादियों का स्पष्ट ये कहना था कि वे मानवता के नाते उसे छोड़ रहे हैं और यहाँ से जाने के बाद सीधे वो उनका ये सरकार से भी माओवादियों ने अपील की कि वो सीधे जवान को सबसे पहले कश्मीर उसे घर भेजे, उनके परिवार से मिलने का मौका दे, उसके बाद उससे जो काम करवा लें वो सरकार। एक खबर भी आ रही थी गणेश की जवान इंजर्ड है, तो क्या जवान थोड़ा बहुत इंजर्ड था? बिल्कुल, जो माओवादियों ने जो बताया वहाँ पर जाने के बाद हमने भी देखा, माओवादी जो कैंप में जवान को रखा गया था, जवान के पैर में जो स्प्लिंटर हैं वो लगे थे और बहुत ज़्यादा गहरा जख्म नहीं था, हल्का फुल्का जख्म था जिसे माओवादियों द्वारा उसका इलाज कर उसे ठीक कर दिया गया। ये पहले ही देश ने 22 जवानों को खो चुका था और एक जवान जो नक्सलियों के कब्जे में था, और वो मेरी ही नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी होती बनती है और हम सबको मिलकर एक प्रयास करना था। पूरा देश इस पर लगा हुआ था, पूरे देश की नज़र थी जवान को लेकर, और हमने भी अपना एक सामाजिक पत्रकारिता का सामाजिक सरोकारिता का धर्म निभाया है। अब हम आपको नक्सलियों की उस शर्त के बारे में भी बता देते हैं जिसकी इस वक्त काफी चर्चा हो रही है। दरअसल इस पूरे मामले के लिए एक मध्यस्थों की टीम बनाई गई थी। नक्सलियों ने इस टीम से बीजापुर मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर जोनागुड़ा आने के लिए कहा था। मध्यस्थ लोगों की टीम जोनागुड़ा पहुंची, लेकिन बड़ी बात यह थी कि लापता जवान को छोड़ने से पहले नक्सलियों को जान के बदले जान चाहिए थी। नक्सलियों ने सरकार के साथ जान के बदले जान की सीक्रेट डील की थी। नवभारत टाइम्स की एक खबर के मुताबिक सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद एक आदिवासी को अपने कब्जे में ले लिया था। नक्सलियों से बातचीत के लिए की गई टीम में शामिल पत्रकारों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने कुंजम सुक्का नाम के आदिवासी को अपने कब्जे में रखा था। नक्सलियों ने सरकार से मांग रखी थी कि निष्पक्ष मध्यस्थों के साथ कुंजम सुक्का को भेजें तो वो जवान को छोड़ देंगे। मध्यस्थों के जरिए उसे पहले नक्सलियों के हवाले किया गया, तभी राकेश्वर सिंह की सुरक्षित रिहाई संभव हो पाई। मतलब राकेश्वर सिंह की जान के बदले एक नक्सली की जान का सौदा किया गया था। आपको बता दें, लापता जवान के छूटते ही परिवार में भी खुशी का माहौल है। पत्नी के चेहरे पर खुशी है तो मां की आंखों में खुशी के आंसू। मैं बहुत खुश हूं और मैं सबसे पहले थैंक्स गॉड, भगवान को बोलूंगी, उसके बाद गवर्नमेंट को बोलूंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उसके बाद मीडिया को और फोर्स को बोलूंगी थैंक्स सो मच। तो किस तरह का एक पिछले 5 दिन थे, एक बहुत टेंशन का माहौल था, आपने अपील भी की सरकार से, और क्या कहेंगे जो पिछले दिन कुछ गुजरे हैं और आज खुशी का मौसम? बहुत 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 ही गंदे दिन थे वो, जिंदगी के सबसे गंदे दिन थे, बहुत मुश्किल से गुजारे मैंने, बट फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, पेशेंस रखा, नहीं वो वापस आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, दिल में यही था कि वो वापस आएंगे। तो उम्मीद कब जगी आपको कि हाँ अब वो आ जाएंगे? मुझे उम्मीद उसी दिन से थी जिस दिन मुझे हिंट मिला कि वो उनकी कस्टडी में है, उस दिन से मुझे उम्मीद थी, बट उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे, बट ये कंफर्म नहीं था कि किस दिन आएंगे। हाँ, सरकार पे भरोसा था, बट सरकार अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, उसकी वजह से हम परेशान थे। बट कुछ मैं भी समझती हूँ उनके कुछ सीक्रेट्स होंगे वो, जो मीडिया को या हमें वो लूज़ नहीं करना चाहते। हम बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और जो छोड़ रहे हैं हम उनका धन्यवाद जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं, और भगवान का भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उम्मीद थी जिस तरह
सरकार की बातचीत हो रही थी तो भरोसा तो आ रहा था, पर ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा था, थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था भरोसा। आपको बता दें, जब से राकेश्वर सिंह लापता हुए थे तभी से ही पूरा परिवार दुखी था और जवान को नक्सलियों के चंगुल से निकालने की बात कर रहा था। वैसे आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।